نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم للنسائين وكما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں میرے دوستوں جب بھی ہم اپنی نماز شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت پڑھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنہار ہے جہان کا نہیں جہانوں کا پالنہار ہے کتنے جہان بعض مفسرین نے 40,000 جہان اور بعضوں نے 80,000 جہان نقل فرمائے تو دو چار دنیا دیکھتے ہیں انسانوں کا جہاں فرشتوں کا جہاں چرند اور پرند کا جہاں جناتوں کا جہاں مچھلیوں کا جہاں اور قرآن کریم کی اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رب اس کو کہا جاتا ہے جو پالنہار ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک ہماری ساری ضرورتیں پوری کرے اس کو رب کہتے ہیں یعنی کہ پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا رب اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کر دیا اور میری اور آپ کی ضروریات کی کفالت کر رہا ہے لیکن حکمت اور مصلحت کے ماتحت پیدا کر کے چھوڑ دیا ساری ضروریات کی کفالت ہو رہی ہے انسان کے اندر کھانے کی ضرورت اللہ نے رکھی پینے کی ضرورت رکھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب مہیا کیا تاکہ اس کی کھانے اور پینے کی ضرورت پوری ہو لیکن اس میں بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ جو جس طرح چاہے کھا لے جس طرح چاہے پی لے جہاں سے لے کر چاہے کھا لے پی لے نہیں حلال کھاؤ اور حلال پیو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا رسولوں کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے رزق کے حلال کھاؤ اور پھر اعمال صالحہ کرو اللہ نے ہر ایک انسان کے اندر خواہشات کا مادہ بھی رکھا ہے اس کے لیے اللہ نے اسباب مہیا فرمائے
ये नहीं कि इंसान जहां चाहे वहां अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे, आजाद नहीं छोड़ा इसे, जैसे खाने पीने के मामले में आजाद नहीं छोड़ा, ख्वाहिशात के माध्यम में भी अल्लाह ने आजाद नहीं छोड़ा। हाँ, अल्लाह ताला ने असबाब मुहैया किए कि शादी के जरिए से, निकाह के जरिए से अल्लाह ने एक ऐसी नेक और साले औरत का इंतखाब फरमाते हैं जहां हलाल तय्यिब तौर पर इंसान अपनी जरूरत पूरी करता है। शरीयत का उसूल है, वहां भी रोक लगा दी, हरिमत अलैकुम अम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल अख्ती, एक पूरा लंबा सफा नाजिल फरमा दिया कि ये औरतें तुम्हारे लिए हराम है, इन औरतों से तुम अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने दुनिया का निजाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया, हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है आप पर हुनूदगी तारी हुई, आपने देखा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब हुनूदगी खत्म हुई, देखा कि आपकी बाई पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। ये अल्लाह ने निजाम बनाया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा दोनों का निकाह हुआ, आमतौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की हिकमत क्या थी, मसलहत क्या थी, हजरत आदम को मिट्टी से पैदा किया, हजरत हव्वा को भी मिट्टी से पैदा करते, अल्लाह की हिकमत और मसलहत अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। उलमा ने हिकमत लिखी है कि बाई पसली से इसलिए पैदा किया कि कल्ब यानी दिल जो है हमारा ये बाई तरफ है, उसके करीब वाली पसली से पैदा किया क्योंकि कल्ब दिल मोहब्बत का मरकज है, उसकी करीब वाली पसली से पैदा किया ताकि शोहर बीवी में भी मोहब्बत पैदा हो। किसी के दहन में सवाल हो कि फिर दिल ही के एक टुकड़े से पैदा करते हैं ताकि छोटी मोटी जो लड़ाइयां हो रही है घरों में ये भी खत्म हो जाती, लेकिन दिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने अपनी याद के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए बनाया है, और किसी की मोहब्बत दिल में, दिल की गहराइयों में अल्लाह के सिवा किसी की मोहब्बत नहीं समा सकती। इसलिए तो बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मैं किसी को अपना जिगरी दोस्त बनाता जो दिल की गहराइयों में मोहब्बत होती है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाता, लेकिन मेरे दिल की गहराइयों में अल्लाह के सिवा किसी की मोहब्बत नहीं समा सकती। अल्लाह का निजाम आमतौर पर हमारे यहाँ समझते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की बाई पसली से पैदा फरमाया था, टेढ़ी पसली से पैदा क्योंकि वो पसली टेढ़ी होती है। आमतौर पर लोग जब शोहर बीवी में लड़ाई होती है तो यही कहते हैं तो टेढ़ी पसली से बनी हुई है जिसके वो टेढ़ी है। यहाँ तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से हजरत हव्वा की पैदाइश हुई जो एक टेढ़ी पसली है, ये हजरत औरतों की खिलकत को बयान किया गया, उसकी ऐब नहीं बयान की गई, हम ऐब के तौर पर बयान कर रहे हैं, यहाँ ऐब नहीं बयान की गई, अल्लाह ताला ने उसकी खिलकत और उसकी फितरत को बयान फरमाया। हर इंसान के अंदर भी एक फितरत है, एक खिलकत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसकी खिलकत ये है कि हमने बाई पसली से और जो टेढ़ी पसली है उससे हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और आने वाली नस्लों की तमाम औरतें इसी तरह पैदा हुई। मालूम भी होता है कि निकाह है, मेरे जहन में बात यही आई कि अब जाहिर सी बात है कि इस मौके पर निकाह के फजाई को आप सुनते ही रहते हैं, हमारे दूल्हे साहब भी निकाह की फजीलत सुनकर तो निकाह पढ़ने आए। इस वक्त मुझे निकाह के फजाइल पर कुछ बात ज्यादा नहीं करनी है, निकाह जानते हैं कि बहुत फजीलत की चीज है, बल्कि सिर्फ फजीलत नहीं, इसको इबादत करा दिया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, इबादत इबादत करा दिया, गुनाह से बचने का एक अजीम जरिया है निकाह। और साथ में अगर आप देख लें निकाह के बाप में अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अब बहुत सारे जवान कभी कोई 35-40 साल की उम्र में 45 पे शादी नहीं हुई, बहुत से जवानों के जहन में बात है कि इस टेंशन को कौन ले,
निकाह होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, फुला होगा, पोस्टिंग। निकाह को इबादत करा लिया, बल्कि हजरत साहबा का अमल देख लिया। हजरत उकाफ रजी अल्लाह नबी की खिदमत करते थे, सहाबी है। अल्लाह के नबी ने एक मरतबा पूछा, उकाफ निकाह नहीं हुआ? कहा, अल्लाह के नबी नहीं हुआ। कहा, आपके पास सलाहियत नहीं है? कहा, है। मेरे नबी ने फरमाया, उकाफ मेरी उम्मत का बदतरीन आदमी वो है, बदतरीन आदमी वो है मेरी उम्मत का, मलून आदमी वो है जो बगैर निकाह से दुनिया से जाए। अल्लाह के नबी जिनके बाप में कहते थे कि हलाल और हराम का सबसे ज्यादा जानने वाले मेरा माज़ है, माज़ इब्न जबल, जिस वक्त उस जमाने में प्लेग फैला था, प्लेग फैला, इनकी दो बीवियां थी, दोनों का इंतकाल हो गया। आप खुद प्लेग की बीमारी में मुब्तला है, आप खुद, तभी आप लोगों से कहते हैं मेरा निकाह करा दो। वो खुद भी जानते हैं कि मैं जो 5-10 दिन जिंदा रहूं ना रहूं, मेरा निकाह करा दो, मैं बगैर निकाह के दुनिया से जाने और अल्लाह की मुलाकात को मैं पसंद नहीं करता। हमारे यहां तो हाल ये माशरे का बिगाड़, और लोग इसको हुस्न खूबी समझ रहे हैं, लेकिन उसको खूबी समझ रहे हैं। अगर जैसे अभी कोरोना वायरस चला, इसमें बहुत सारे शोहरों का, बहुत सारी बीवियों ने शोहर खो दिए, बहुत सारे शोहरों ने बीवियां खो दी। कोरोना वायरस चला, कोई 35 साल की उम्र है शोहर की, बीवी चली गई, 40 साल की उम्र है बीवी चली गई, 45 साल की उम्र है बीवी चली गई। कई जगहों से मेरे पास बेचारे लोग आए, मैंने कहा शादी कर लो, आपके 45 साल की उम्र है, बीवी नहीं है। कमाना ना बच्चे इजाजत नहीं देते, बच्चे कहते तुम्हारी शादी करू है तो आप ना कमाना ना मारो, कोई ताल्लुक नहीं है। ये महाशरा है, ये हमारा महाशरा है। कई जगहों से 45 साल की उम्र है, औलादी ये कह रही है कि अब तुमको शादी करना हो तो हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। हालांकि औलाद को कुछ चाहिए कि औलाद कहे कि अब्बा आपकी उम्र है, आपको जरूरत है, अभी आप शादी कर लो। अगर जगह जगह से अगर औलादे ये देख रही है मेरा बाप सीनों में मुब्तला है और गलत ताल्लुक कायम किया हुआ है, इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन हलाल तैयब निकाह करके औरत को लाए, इसको लिए तैयार है। ये माशरा है, माफ करना बात गलत लगे तो, जगह जगह से भाई हलाले तैयब औरत का इंतजाम किया जावे, ये बेहतर है कि गलत तरीके से अपनी जरूरत पूरी करें, ये बेहतर है। निकाह को इतनी ज्यादा अहमियत और फजीलत दी गई, और हजरत साहबा की सीरत उठाई तो हमें पता चलेगा इस बात। तो ये निकाह का मामला है, लेकिन मुझे अभी बहुत शॉर्ट टाइम में बताना है कि निकाह के बाद की जिंदगी कैसे गुजारी जाए, निकाह के बाद की इत्तेवादी जिंदगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की सीरत उठाई उसके बुनियाद कैसी जिंदगी। और निकाह को अल्लाह ताला ने वमिन आयातिही अन जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। निकाह को अल्लाह तो पहले कहते मेरी आयात है, अल्लाह ताला ने निकाह को अपनी निशानियों में से करार दिया। आयात क्यों करार दिया? अल्लाह ताला अपनी निशानी कह रहे हैं निकाह को। हाँ, आयात का मतलब यह है कि जो काम अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता, इसको आयात कहा जाता है। सूरज और चांद आयतुम मिन आयातिल्लाह है, इसका निजाम चलाना, इसको पैदा करना, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। रात और दिन के निजाम की तब्दीली ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये आयात है। निकाह को भी आयात करा दिया। हां, फरमाया आज तक जिस बीवी से हम शादी करने जा रहे हैं, जिस बेटी से शादी करने जा रहे हैं, बात तक अजनबी थी हमारे लिए, भाई हमारे ही मोहल्ले में रहती हो जिससे हमारी शादी का इंतखाब हुआ। अगर हमें 1 महीने पहले जब हमारी शादी का कोई इरादा नहीं था,
पता चले कि फुलाने घर में फुलानी भी फुलानी औरत बीमार है तो हमारी तबीयत पर इतना ज्यादा असर नहीं होगा इसका। हाँ, हमारे मोहल्ले में कोई बीमार है, लेकिन आज रिश्ता तय हो गया इस दो जुमलों से, नकाह तुहा व कबील तुहा, दो जुमलों से अल्लाह शौहर बीवी में, शौहर बीवी में, दोनों खानदानों में ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है जो मोहब्बत कोई पैदा नहीं कर सकता। आज तक वो औरत अजनबी थी, जिस खानदान में शादी हो रही वो खानदान अजनबी था हमारे लिए। दो जुमलों से अभी निकाह होंगे तो दो जुमलों के जरिए से ये शौहर बीवी में जो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बल्कि सच्ची मोहब्बत में अगर शौहर तकलीफ में होता है बीवी ये कह देती है अल्लाह ये तकलीफ मुझे दे दे, मेरे शौहर को राहत दे दे, ये मोहब्बत अल्लाह के अलावा कोई पैदा नहीं कर सकता। इसलिए निकाह को आयात करा दिया, वमिन आयाती अजान लकुम मिन अनफुसिकुम अजवाजल लितस्कुनु इलैहा, बीवियों को क्या करा दिया, ये तुम्हारे लिए सुकून का दरिया है, ये तुम्हारे घर के लिए सुकून का दरिया है, ये तुम्हारे खानदान के लिए लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ताला इसको लितस्कुनु कह रहा है। लेकिन माफ करना, हमारे घर आज लितस्कुनु नहीं है, लितहजनु बन गए हैं, हमारे घर जहन्नम के नमूने बने हुए हैं। मेरा अल्लाह तो ये कहता है लितस्कुनु इलैहा, ये आने वाले बेटी तेरे घर के लिए सीरत का बाइस बनेगी, सुकून का बाइस बनेगी, तेरे अयूब पर पर्दा डालने के बाइस बनेगी, लेकिन नहीं हो रहा है हमारे घरों में। आज हमारे घर जहन्नम बने हुए, वजह क्या है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक आदमी आए, कहने लगे कि अल्लाह के हबीब मेरी बीवी ऐसी है ऐसी है ऐसी है ऐसी है। अल्लाह के नबी ने कहा एक काम करो, तलाक दे लो बेटा। हजरत साहबा भी बैठे हुए थे, बड़े ताज्जुब कर रहे कि नबी ने कोई बात नहीं की, नसीहत नहीं की, समझाया नहीं, और ये कहा कि तलाक दे लो। मेरे नबी तो जाहिर सी बात है कि रूहानी तो अब्तर थे। जब चला गया और थोड़ी देर के बाद वापस आया और कहने लगा कि अल्लाह के अभी मुझे बीवी को तलाक नहीं देनी। फरमाया क्यों? कैसी भी है, मेरे बच्चों की परवरिश करती है। अल्लाह के नबी कैसी भी है, बड़ी वफादार है। अल्लाह के नबी ने कहा मैंने इसीलिए कहा था, जब से तुम्हारी शादी हुई है हर वक्त तुम अपनी बीवी के अयूब और भूले और गलतियां तलाश करते रहते हैं, तो तुम हर वक्त अपनी बीवी की शिकायत लेकर आते हैं। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा तुम्हारी बीवियों में एक दो बातें ऐसी है जो तुम्हें नहीं पसंद है, इसको लेकर मत बैठे रहो, तुम खूबियों पर निगाह डालो, मोहब्बत पैदा होगी। एक दो बातें लेकर बैठे रहोगे टोर पैदा होगा और तलाकों के मसाइल पैदा होंगे। बीवी को भी चाहिए शौहर की खूबियों पर निगाह डाले, सिर्फ एक दो बातें ऐसी है जो नहीं पसंद है इस पर निगाह डालेंगे तो तलाक का मसला पेश आएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नसीहत फरमाई। आज हमारे घर लितस्कुनु इलैहा क्यों नहीं बन रहे? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है, फरमाए साहब जब भी घर में आते थे बीवी से लड़ाई, जब भी घर में आते थे बीवी से लड़ाई, जब भी घर में आते थे बीवी से लड़ाई। एक बहुत से लोगों ने कहा कि तलाक दे दो इसको, हालांकि नेक आदमी थे, कहीं तलाक दे दो हर वक्त तुमसे झगड़ रही है। फरमाया मुझे भी मालूम है, लेकिन उसमें एक दो खूबियां ऐसी है जिस पर मैं निगाह डालता हूँ। फरमाया मेरी बीवी ऐसी वफादार है, ऐसी वफादार है। फरमाया अगर मेरे लिए कोई वारंट जारी हो जाए, जेल का फैसला हो जाए, 10 साल के बाद भी मैं आऊंगा, मैं जिस कोहने में इसको छोड़कर जाऊंगा 10 साल के बाद उसी कोहने में मिलेगी। मैं उसकी भूलों को नहीं देख रहा, उसकी खूबियों को देख रहा। हमारे हजरत दारुल देवबंद की जिस वक्त बुनियाद पड़ी, उस्ताद भी महमूद मुल्ला महमूद मीरठी रहमतुल्लाह ने और शागिर्द भी महमूद शेख उल हिंद रहमतुल्लाह ने, उस्ताद भी महमूद शागिर्द भी महमूद, इदारा दारुल देवबंद शुरू हुआ इब्तिदा शागिर्द भी उस्ताद भी। जब मुल्ला महमूद साहब का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, हमारे हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है मुल्ला महमूद क्या गुजरा, इतना बड़ा आदमी। फरमाया एक मरतबा बीवी ने नमक बहुत ज्यादा डाल दिया था खाने में, खाने बैठा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं दांत दू इसको, मैं मार दू, गुस्सा करो। मेरे दिल में बात आया
ये तो अंदाजे से डालने वाली चीज है, इसमें तो कमी बेशी हो जाती है, ये अल्लाह की बंदी है, भूल किससे नहीं होती। मैंने सब्र से काम कर लिया और मैंने माफ कर दिया, मैंने कोई जुमला नहीं कहा। फरमाया अल्लाह के पास पेशी हुई, फरमाया महमूद तेरा यह अमल मेरे नजदीक कितना पसंदीदा है, इतना पसंदीदा, तूने अल्लाह की बंदी समझ कर इसको माफ कर दिया था, आज तू मेरा बंदा है, मैं भी तुझे माफ कर रहा हूं। कब बनेगा हमारा घर? शोहर को चाहिए कि बीवियों की खूबियों पर निकाल आ ले, बीवी को चाहिए शोहर की खूबियों पर निकाल आ ले। मैं आपको इसलिए कहता हूं, अल्लाह के घर में बैठ कर कह रहा हूं, हमारे माशरे में इतना बिगाड़ पैदा हुआ, इतना बिगाड़, रोजाना की तलाकें हो रही है, आप लोग नहीं जानते, शादी का 3 महीना नहीं हुआ तलाक, 6 महीना नहीं हुआ तलाक, साल नहीं हुआ तलाक, क्या हो रहा है, कितना बिखार है हमारे माशरे में, और हम ये कहते हैं कि हमारा माशरे से अच्छा कोई माशरा नहीं। रोज बनता लोगों की बेटियां, बेटियां 25 साल की 30 साल की, आप सिर्फ एक मरतबा फहरिस्त लगाकर इलाके में घूमो, आपको 50 बेटियां ऐसी मिलेगी जो 25 और 30 साल की उम्र में तलाक लेकर घर बैठी होगी, और हमारी परेशानी पर कोई बल नहीं, और वो भी आप अगर अंदाजा लगाए छोटी मोटी भूल, छोटी मोटी ताल्लुक। मैं आपको इसलिए ये दिल का, ये दिल के कुरान सुना, देखो बच्चेदार तकरीर करने यहां नहीं आया, 2-3 खल्ला के घर में गुजिश्ता कल भी एक औरत बिचारी अपने भाई को लेकर आई, अल्लाह की कसम इतनी रोई, इतने हमारे साथ एक दो उस्ताद बैठे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए, फरमाया मेरा शोहर इतना जुल्म करता है, मना इतना जुल्म, और आपको तहकीक करनी हो तो इनको बुला लो सामने। उससे अगले वाले दिन असर के बाद बैठा हुआ था, हमारे मिलने वाले साहब बेटी की शादी के 6 महीने, 2-3 के वाकया सुना रहा हूं आपको, ऐसे तो महीनों में वाकया सुनाऊंगा तो किताब भर जाएगी। उससे अगले वाले दिन असर बाद बैठा हुआ था, हमारे साहब आए और कहने लगे कि मौलाना ये बेटी की शादी के 6 महीने हुए, बहुत परेशान है, उससे पूछ लीजिए, और मौलाना ये बेटी 4 दिन पहले नहर पर रात में 2 बजे चली गई थी अपनी खुदकुशी के लिए, अचानक मेरे जो समझी है इनका फोन आया कि तुम्हारी बेटी घर से निकल गई, मैं जल्दी जल्दी तलाश करने के लिए दौड़ा, नहर के किनारे से इसको पकड़ कर लाया, अगर मैं आधा घंटा न पहुंचता मेरी बेटी दुनिया से चली जाती, शिव ससुराल वालों के जुलम की बुनियाद पर रात को 2 बजे खुदकुशी करने चली गई, अभी 2-3 पहले लेकर आया था सरबा। ये हमारा महाशरा है। मैंने उससे कहा बेटी क्या मामला हुआ? फरमाया मेरी सास जो है गई हुई थी यही भरूच किसी जगह आई हुई थी सुबह से रात तक, और वो लोग आए और उसके बाद खाना वाना खिलाया, मैंने बर्तन साफ किया, मेरे शोहर ने मुझे कहा कि चलो हम थोड़ा गर्मी का मौसम है थोड़ा ठंडा पी कर आए, चक्कर लगा कर आए, नई शादी हुई है तेरा चक्कर लगाने गए। फरमाया मैं चक्कर लगाने के लिए गया मेरे शोहर के साथ, और मामला क्या हुआ? फरमाया मेरी सास कहने लगी कि बस मेरा ही इंतजार कर रही थी कि मैं थोड़ा घूम कर आई और तू रह जाएगी, इस पे लड़ाई हुई, लड़ाई हुई, 2 बजे तक लड़ाई चली, सब सो गए। मैंने दिल में ये सोचा ऐसी जिंदगी गुजार कर क्या फायदा, इसलिए मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म करूं। माशरा कोई दूसरे को समझने के लिए, कोई दूसरे को माफ करने के लिए, कोई दूसरे को दरगुजर करने के लिए तैयारी नहीं, ये तस्करु ही नहीं। और सबसे बड़ा अफसोस की बात क्या है, मैंने अभी जगह पर 32 में इतवार के दिन कहा, आज शोहर और बीवी हस्बैंड वाइफ कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, जवान है लड़ रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत सारी मरतबा बच्चे भी इसका जो असर ले रहे, हालांकि जिस वक्त हमारे बच्चे 10 साल के 12 साल के 8 साल के जिनकी हमें तालीम तरबियत की भी इंतहा जरूरत है, लेकिन उसके सामने हस्बैंड वाइफ घंटे झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कहीं शौहर बीवी को जलील कर रहा है, बीवी शौहर को जलील कर रही, कहीं शौहर गालियां दे रहा है, कहीं कूड़ा फड़ा कह रहा है। अब आपके 10-12 साल के बच्चे इसको नहीं देख रहे, इसको नहीं सुन रहे, थोड़ा तो हम समझे क्या हम हमारी ख्वाहिशात की बुनियाद पर हम इन बच्चों का फ्यूचर को बिगाड़े, हमारी बच्चों की तबीयत पर इसका बहुत खतरनाक असर पड़ रहा है। और जहां हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक सही नहीं होता, माफ करना,
हमारी बच्चों की तालीम और तरबियत पर हम कोई फिक्र नहीं कर पा रहे और उसकी बुनियाद पर हमारे बच्चों का फ्यूचर बिगड़ रहा है। इतस्कुनू इलैहा, अल्लाह ताला इसको आयात में से करार दे रहे हैं। और इतस्कुनू, हमारे अंदर मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इतस्कुनू इलैहा पर लिखा है, शोहर को चाहिए, फरमाया बीवी बाज वो काम कर रही है कि वो काम तुम नहीं कर पा रहे, जैसे बच्चों की तरबियत, छोटे छोटे बच्चों को संभालना। एक दिन तो हम संभाल कर देखे बच्चों को, एक दिन तो एक साहब ने वाकया नकल किया, मेरी बीवी किसी काम से गई थी, मेरा 8 महीने का बच्चा था, सुपुर्द करके गई, दवा इस हॉस्पिटल गई, फरमाया कि वो रोया समझाया 8 महीने का, इतना मारा, 8 मारता गया शोहर। जब बीवी बिचारी हॉस्पिटल से आई तो बदन के हर हिस्से पर दाम लगे हुए थे। हम इनको 1-3 4 घंटे इन छोटे बच्चों को हम नहीं संभाल पा रहे। वो तो बीवी है, सबर कर रही है, तालीम तरबियत का जो निजाम बना रही है, 4-4 बच्चों को हमारी संभाल रही है, 5-5 बच्चों को संभाल रही है, सुबह से शाम तक खाना बना रही है, घर साफ कर रही है, ये सारे काम जो कर रहे कभी हमें आया नहीं, लितस्कुनू इलैहा। इसलिए तो आप देखे कुरान करीम में, आप देखे हुन्न लिबासुल लकुम वअन्तुम लिबासुल लहुन्न। हजरत जो उलमा बैठे आप इनसे पूछ लीजिए, कुरान करीम कहता है शोहर बीवी के लिए लिबास है और बीवी शोहर के लिए लिबास। क्या मतलब लिबास का? शोहर बीवी के अयूब छुपाने वाला हो, बीवी शोहर के अयूब छुपाने वाला, उछालने वाले नो छुपाने वाले हो। और इसलिए भी जीनत कहा, फरमाया बीवी घर में आएगी, लिबास मेरे और आपके लिए 22 जीनत है। कुरान करीम ने बीवी को लिबास करार दिया, फरमाया बीवी भी तुम्हारे घर के लिए 22 जीनत है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि अभी छुट्टियों का मौसम है, बीवी 4-5 दिन महके चली गई और उसके बाद आती है, अगर हम घर में अकेले होते हैं घर का निजाम कैसा हो जाता है भाई, घर का निजाम कैसा हो जाता है, कई बर्तन वहां पड़े हुए, चाय का बर्तन वहां पड़ा हुआ, सफाई का, 5-10 दिन में हमारे घर की हालत बिगड़ जाती है। मेरा दाई कहना है हुन्न लिबासुल लकुम वअन्तुम लिबासुल लहुन्न, ये तुम्हारे लिए जीनत है, तुम उसके लिए जीनत हो, ये तो तुम्हारे घर की जीनत बन कर आई, और तुम उसको जुल्म करोगे, तुम उसको कामवाली समझोगे। मेरा बर्तानिया का सफर हुआ 4-5 साल कबल, उससे पहले हमारे मिलने वाले थे, कहा हजरत मेरी बेटी की शादी है, दुआ करना फुला। उसके 2-3 महीने के बाद मेरा जब यूके जाना हुआ तो एयरपोर्ट से जब निकला तो उनका करीब घर, मैंने कहा जरा मुलाकात करते जाओ, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको मुबारकबादी देने आया। शोहर की आंखों में आंसू और बीवी को बुलाया आंखों में आंसू, कमर साहब बेटी को तो तलाक भी हो गई, शादी का 3 महीना हुआ आपने तो बेटी की तलाक भी हो गई, क्या मामला हुआ? अजीब बात सुनाने लगे, कैसा माशरा है और दिल हमारे कैसे तंग हो चुके हैं हम, दिल मैं क्या समझता हूं, मैंने सफे अकबर में नमाज पढ़ ली मेरा दिन खत्म हो गया, मैंने रोजे रख लिए मेरा दिन खत्म हो गया, मैंने तस्बीहात पढ़ ली मेरा दिन खत्म हो गया, क्या दिन इसी पर खत्म है? 100% दिन तुम नमाज को समझ रहे, रोजे को यकीनन अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने के लिए नमाज से ज्यादा अहम कोई इबादत नहीं, लेकिन दिन इस पर खत्म नहीं हो जाता, दिन खत्म नहीं हो जाता। इसीलिए आप देखें अल्लाह ने कुरान करीम में अकीमुस्सला वातुस्सका अगर 73 मरतबा बयान फरमाया है, लेकिन नमाज और जकात के मसाइल को खोल कर तफसीलात के साथ कहीं नहीं कुरान में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात में सल्लु कमा रायतुमु युसल्ली, नमाज में कितनी रकात है, कितने सजदे हैं, कितने रुकू है, कितनी सूरतें हैं, ये नबी के तालीमात में मिलेगा। नमाज और जकात के मसाइल को खोल कर अल्लाह ने कहीं बयान नहीं किया, लेकिन माशरत शोहर बीवी जिंदगी कैसे गुजारे, भाई बहन जिंदगी कैसे गुजारे, औलाद वालिदैन जिंदगी कैसे गुजारे, ये माशरत है, ये हुकूक और इबाद का मसला है। अल्लाह ने कुरान करीम में माशरत के मसाइल को खोल कर बयान किए, तफसीलात के साथ बयान फरमाया, अल्लाह दी तकाबुना बिजुदहुन्ना फैजोहुन्ना वहजुरोहुन्ना, खोल कर अल्लाह बयान कर रहा है अहमियत के लिए, आप इन मसाइल बेनों से ना, नमाज पर मेरा दिन खत्म हो गया, रोजे पर खत्म हो गया, इसको न समझना, मामलात माशरत अखलाक ये बहुत बड़े मसाइल है। इसलिए हमारे हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे,
بار بار حضرت کا رکولہ ہمارے حضرت مولانا محمود حسن صاحب نقل کرتے تھے, بڑی سے بڑی عبادت کسی کی دل آزاری سے, کسی کی تکلیف سے بے روح ہو جاتی ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری روزی پر کسی نے بوٹ مار لی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میرا بزنس نہیں چل رہا, میں یہ سوچتا ہوں کہ کسی نے مٹھ مار لی, کسی نے روز بندی کر لی ہے. میں کبھی نہیں سوچتا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ میری بیوی پر ظلم کرتا ہوں, میں میرے ماں باپ پر ظلم کر رہا ہوں, میرے پڑوسی پر ظلم کر رہا ہوں. اس کی بنیاد پر اللہ نے میری روزی پر بندش ڈال دی ہے. اور سوچ میں آپ کو نقل کر دی ہوں, ہمارے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے گھر والے ایک دن شادی میں گئے, کہہ کر گئے کہ جو مرغیاں پالی ہے ذرا اس کو 8-10 بجے نکال دینا, دانا پانی کر دینا. فرمایا میں بھول گیا, بیان القرآن لکھنے کے لیے بیٹھا, کوئی آیت کا ترجمہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, کوئی میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. روزانہ دیکھتا ہوں تو فرمان احکام و مسائل کی, میں نے سوچا کہ اللہ کوئی نافرمانی ہوئی ہے. سوچتا سوچتا ایک اچانک یاد آ گیا کہ میرے گھر والے کہہ کر گئے تھے کہ مرغیوں کو چھوڑ دینا, دانا پانی کرنا, میں بھول گیا. میں نے جلدی جلدی ظہر ہو گئی کہ مرغیوں کو دانا نکالا, میں نے دانا پانی کیا, پھر لکھنے کے لیے بیٹھا. واپس اللہ کی طرف سے فیوزات کی بھرمار ہو رہی ہے. میں نے کہا اشرف علی, ایک اللہ کی ادنا مخلوق پر نہ جانے جان کر نہیں ظلم ہوا, اللہ نے برکات کا دروازہ بند کر دیا. ایک ادنا مخلوق مرغیوں پر ظلم ہوا ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر آپ بیوی پر ظلم کرو گے یاد رکھنا اللہ تمہارے گھر پر رحمتوں کے دروازے بند کر دے گا, برکات کے دروازے بند کر دے گا. یہ کوئی کہیں سنائی باتیں نہیں ہیں, آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. یہ تذکروں ہی رہی ہاں تو میں وہ واقعہ میں نے کہا کہ بھائی 3 مہینے ہوئے طلاق ہو گئی. کہا مولانا میری بیٹی شادی کر کے گئی, ہفتہ 10 دن ہوا تھا, کہاں میری ساس نے, میری بیٹی کے ساس نے یہ کہا, روزانہ یہ میری بیٹی جاتی ہے کالج, اس کو 8 بجے اٹھ کر بریک فاسٹ بنا دے. میری بیٹی روزانہ شادی کے بعد اٹھتی تھی صبح میں اور اس کی نرد کو یعنی اب میرے اس کے شوہر کی بہن کو بریک فاسٹ بنا دیتی تھی. ایک دن ایسا ہوا بیٹی کی آنکھ لگ گئی, بریک فاسٹ نہیں بنایا, اس کی بیٹی کالج بغیر بریک فاسٹ کے چلی گئی. میری بیٹی کو اتنی گالیاں دی اور یہ کہا اس گھر میں رہنا ہو تو غلام اور بانی بن کر رہنا پڑے گا, تیرا باپ بھی ہمارا غلام اور بانی, تیری ماں بھی بانی اور تو بھی بانی. میری بیٹی بغیر بریک فاسٹ کے گھر سے کہیں چلی گئی. اس پر لو لڑائی ہوئی, جھگڑے ہوئے, اتنی لڑائی بڑی یہاں تک کہ ہمیں مجبوراً ہماری بیٹی کو طلاق لینی پڑی. یہ ہمارا معاشرہ ہے, گھر گھر کے مسائل. آج طلاقیں جو ہو رہی ہیں آپ ذرا ڈیٹیل میں جائیے, کھل کر آپ کو یہ باتیں سامنے آئی, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, چھوٹا سا مسئلہ اور طلاق ہو رہی. کوئی صلح کرانے کے لیے تیار ہے, کوئی کمپرومائز کرانے کے لیے. ہمارے یہاں تو اگر بیٹی پہلی اگر بیٹی کو بیٹی نے فون کر دیا ابا کو, ایک طرف بیٹی کا معاملہ بھی کہ ابا میرا شوہر میرے ساتھ یہ ظلم کا معاملہ, میرا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے, پہ مدنی تو گھیر رہی ہو آپ میرے مورٹ بلیں گے. یہ ہمارا معاشرہ ہے, کوئی کمپرومائز کرانے کے لیے تیار ہی نہیں. 2 منٹ باقی ہے, آخری میرے نبی کی بات سنا دو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر سے آتے تھے بیٹی فاطمہ کی ملاقات میں تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے بیٹی فاطمہ کی ملاقات کی, سفر سے آئے, بیٹی فاطمہ علی کہاں ہے, حضرت علی کہاں ہے. اللہ کے نبی دونوں میں جگہ رہائی ہوئی, حضرت علی گھر چھوڑ کر ابھی تھوڑی دیر پہلے باہر نہیں گئے. حضرت علی گھر چھوڑ کر میرے نبی بذاتم منی کہتے تھے, میں اور آپ ہوتا تو کیا کہتے, انہیں جوانوں کے کام نہ کیا پڑیں گے. معاف کر دیں ہمارا معاشرہ, میرا نبی امام الانبیاء, امام الانبیاء حضرت علی کو تلاش کرنے جا رہے ہیں اپنے داماد کو. بھائی داماد بھی تو آپ کو ابا کہہ رہا ہے, آپ کو ابا کہہ رہا ہے, داماد کو تلاش کرنے جا رہے. مسجد نبی میں سوئے ہوئے تھے, مٹی لگی تھی, آوا تھوڑا ہاتھ پکڑا اور لے کر آئے بیٹی فاطمہ کے مکان پر اور کیا کہا, بیٹی فاطمہ اگر تو میرے مکان پر اس حال میں آئی
अगर तेरे शोहर अली तुझसे नाराज है, तेरे अब्बा तुझसे बात नहीं करेंगे। अली को नाराज करके तेरे शोहर है। आगे नसीहत कर रहे, बेटी फातिमा अगर तेरा इंतकाल कभी इस हाल में हुआ, तेरे शोहर अली तुझसे नाराज है, तेरा बाप तेरी सलात जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे। हाय कैसा नबी था। फिर क्या कहा, अली को मोहब्बत के अंदाज में कह रहे, अली ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, अली इसको तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है, अली कुछ सबर कर ले और संभाल ले। हजरत अली भी रो रहे, बीवी फातिमा भी रो रही है। अल्लाह के हबीब आज के बाद कोई शिकायत आपको नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज। कभी हमने ऐसा किया, कोई मामला हो गया, बेटी को भी बिठाइए, दामाद को भी बिठाइए, मोहब्बत की बातें करें, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें। पहला जुमला मेरा ये होता है कि अब तौर करवाएं, माफ करना। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। बस ये तो माशरा है, मैंने इसी पर बात की जो अमीन आया कि वाशिरुहुन बिल मारूफ। अल्लाह ताला बेटियों के बाप में मुझसे और आपको, बेटियों के बाप में अल्लाह ताला मुझसे और आपसे सिफारिश कर रहा है, तुम्हारे घर पर आने वाली बेटियां, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बहन है, किसी की लगते निगर है। फरमाया अल्लाह ये कहता है, उनसे हुस्ने सलूक करो, इनसे मोहब्बत का मामला करो। अल्लाह फरमाते हैं, मैं तुम्हारे घरों पर मोहब्बत की निगाहें डालूंगा और तुम्हारे घर सुकून के और बरकत के बाइस बन जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाकिर दावाना अलहमदुलिल्लाह।